कृष्ण ऐसे ही हैं जो अपनी समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पितामह भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, उसके बाद भी वो भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे युद्ध किया जा सकता है, मुझे बांध सकता है, क्योंकि दुर्योधन को वह दुर्बुद्धि का संकेत देने की क्रिया भी भगवान की है। आप सब जानते हैं कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात यज्ञसेनी, जो यज्ञ की अग्नि से निकली थी, जिसके शरीर में सुगंध आती थी, भारतीय स्त्रियों के इतिहास की सबसे दीपित चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज्ज हाथ डाल दे तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता। भगवान यूं तो शांति लेने के लिए गए थे। जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने विशेष रूप से कहा, माधव मैं युद्ध नहीं चाहता, आप जाना और कहना बस 5 गांव हमें दे दें, हम 5 भाइयों को हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया जो आपने कहा है वही होगा। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हों और एक अखंड विश्व में अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं बड़े शांतिपूर्ण होते हैं, शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता भी है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधु के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो वो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडी उठा ले और अपनी गदा उठा ले, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और समय पर ये गांडी और गदा नहीं उठे तो मान लेना कि समाज में महाभारत प्रतीक्षा कर रहा है, पृथ्वी लाशों से पटेगी, कोई नहीं रोक सकता। शांति लेने के लिए गए, कृष्णा ने भोजन कराया, द्रौपदी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद निर्वासन की कुटिया से कृष्णा बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के, तो उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी, जिसे कहते हैं ना O2 अंग्रेजी में, I owe 2। तो द्रौपदी ने कहा, कृष्णा ने कहा, You owe 2 me, तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कृष्ण कुछ अलग नहीं है, कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूशन है जो ये कहता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, भी तो वही है, बस सूर्य से चंद्र में आए हैं इतना ही तो हुआ है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्यों मांगती है, आज क्यों मांगती है? बोले, यही समय है, हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हूं, जाओ शांति लेके आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूं युद्ध लेकर लौटना। यह तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन शठ को, मूढ़ को, दुष्ट को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके कि यह तो पिटने का ही अधिकारी था। किसी मूर्ख को, किसी जड़ को, किसी पापी को, लगातार बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आप सड़क पर पीट दो तो 4 लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्यों इस भले आदमी को मार रहे हो? लेकिन वो लगातार बदतमीजी गली में करे, मोहल्ले में लगातार गुंडई करे, उससे पूरा मोहल्ला परेशान हो, और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से फूटी हो वो पकड़ के उसे थपड़िया दे और छाती पे घुटना रख के बैठ जाए तो लोग कहेंगे सही पिटाई हुई इसकी, ऐसी योग्य था। दुर्योधन पिटना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है, लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते थे। महाकवि दिनकर कहते हैं
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य में सब दिन सोता है देखें आगे कब हो मैत्री की राह बताने को दुर्योधन को समझाने को सबको सुमार्ग पर लाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए दो न्याय अगर तो आधा दो दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच गांव रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज बोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हां हां दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें संघार झूलता है मुझमें उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज पर दिबंध को घेरे हैं मैं नाक मेरु पग मेरे हैं दिपते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब हैं मेरे मुख के अंदर द्रग हो तो दृश्य कांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड मुझमें सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव चर अक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजात अमर शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र शतकोट सरत सरक्षित्र मंद्र शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोट विष्णु जलपति धनेश शतकोट रुद्र शतकोट काल शतकोट दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे लोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है अंबर में कुंतल चाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं सब लौट मुझी में आते हैं जिव्या से कड़ती ज्वाल देख सांसों से पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जभी मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण सवाल देखना बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन और ये दो पंक्ति भगवान का भरत वाक्य सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है यह जो उद्घोष है कहां बंधा कन्हैया यह कौन कह रहा है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर जिसमें पिता में भीष्म जैसा ज्ञानी भी मूर्छित हो गया केवल एक बचा देखने वाला केवल एक ने देखा किसने विदुर ने धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे पर विदुर ने वो साक्षात दृश्य देखा जिसके घर का साग खाकर गए थे ये जो कन्हैया है जो दुर्योधन को देखने का अवसर भी नहीं देता
जो कहता है कि अगर विश्व को साध सकता है, शून्य को साध सकता है, तो मुझे बांधना। यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमलार्जुन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पहर तक रोता रहता है, मैया अब खाली कर दे, अब छोड़ दे, अब नहीं चुराऊंगा, बड़ा हो तो ऐसा और छोटा हो तो ऐसा, इसी का नाम कन्हैया है।